गर्मी लग रही हो, मूड रिफ्रेश करना हो, घर पर गेस्ट आए हो या फिर किसी चीज को सेलिब्रेट करना हो, हमारे ज्यादातर खुशी के पलों में कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का अपना एक अलग स्पेस है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बचपन से हम टीवी, रेडियो या अखबार में कोल्ड ड्रिंक्स के इतने सारे विज्ञापन देखते आए हैं कि हमारे दिमाग पर इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया के ज्यादातर सेलिब्रिटीज भी इनका विज्ञापन करते हैं, तो अपने रोल मॉडल से हम बहुत जल्दी ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यही वजह है कि इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल से लेकर के लोकल तक मार्केट में कई सारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो गांव से लेकर शहर तक के लोगों को खूब पसंद आते हैं। आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि अगर आप अपना खुद का कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल होगा। अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो ये कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेटेड इन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कोला फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, लाइम लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की कैटेगरी में आते हैं। और जूसेस, बॉटल्ड वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, रेडी टू ड्रिंक टी एंड कॉफी, फ्लेवर्ड मिल्क, ये सारे नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में इन दोनों ही सेगमेंट्स के कस्टमर्स मौजूद हैं। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो इंडिया में पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, उनके मुताबिक 2018 में उनका रेवेन्यू 3,862 करोड़ रुपए का था। कोका कोला और पेप्सी इंडिया में सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स हैं, और इनके बाद लोकल ब्रांड्स ने अपनी जगह बनाई है। अब बात करते हैं अपनी खुद की सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बनाने की, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में एनुअल पर कैपिटल बॉटल कंजप्शन बढ़ती ही जा रही है और सॉफ्ट ड्रिंक्स की खपत हर साल 17% के हिसाब से बढ़ रही है। इसलिए इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बनना एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभर रहा है। तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पाना सबसे पहला स्टेप होगा इस बिजनेस की शुरुआत के लिए। तो आपको करना ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, और ये करना कैसे है इसके ऊपर क्विक सपोर्ट ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। YouTube पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्विक सपोर्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको GST और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले वीडियो में ही आपको टिन नंबर के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक एक फूड आइटम है, इसीलिए आपको FSSAI से फूड लाइसेंस लेना होगा, और पैकेजिंग के लिए ISI से भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा स्टेप है, इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी कंपनी शुरू नहीं हो पाती, इसलिए इसे एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। अगर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी शुरू करने की बात है तो स्मॉल स्केल पर भी इसके लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अरेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल की बात कर लेते हैं, जिसकी जरूरत मशीनरी, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन लाइन, प्लांट और फैक्ट्री के लिए जगह लेनी पड़ेगी। एक छोटी सी फैक्ट्री के लिए भी कम से कम 200 से 400 स्क्वायर फीट जगह तो चाहिए ही, और ये ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आप कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसके बाद वर्किंग कैपिटल की बारी आती है, जो डेली का काम, ऑफिस मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज की सैलरी, मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजों में खर्च होगी। तीसरा स्टेप है रॉ मटेरियल्स, यानी कि कच्चा माल। सॉफ्ट ड्रिंक्स का ख्याल आते ही दिमाग में कोला, सोडा, ऑरेंज, लेमन जैसे फ्लेवर ही याद आते हैं। जाहिर है कि आप भी इन्हीं से अपनी शुरुआत करेंगे, इसलिए रॉ मटेरियल्स के हिसाब से वाटर सप्लाई, स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, शुगर, कलर, ईटेबल एसिड, प्रिजर्वेटिव्स जैसी चीजें चाहिए होगी। इनके लिए आपको ऐसे सप्लायर को ढूंढना पड़ेगा जो बल्क में सस्ते दामों पर चीजें सप्लाई करे, तभी आपका प्रॉफिट मार्जिन सही बैठेगा। चौथे स्टेप की बात करें तो मशीन्स और इक्विपमेंट, यानी कि प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको मशीन्स और इक्विपमेंट मंगवाने होंगे और फैक्ट्री में इन्हें इंस्टॉल भी करवाना होगा। आपको मार्केट में प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग मशीन मिल जाएगी, जो 1 लाख से लेकर के 10 से 12 लाख रुपए तक की रेंज में मिल जाएंगे। अगर आप indiamart.com पर सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पेंसिंग मशीन के मॉडल मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा, या फिर अपने आसपास कोई कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं। पांचवा स्टेप आता है मैन पावर और टीम। फैक्ट्री चलाने से लेकर के प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने तक के लिए आपको अपनी टीम तैयार रखनी पड़ेगी। प्लांट में लेबर, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले एक्सपर्ट, पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए लोग, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, ऑफिस मैनेजमेंट जैसे कई सारे और भी काम होंगे जिनके लिए आपको अपनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि एक अच्छी स्किल्ड और नॉलेजेबल टीम ही आपको अच्छा बिजनेस दिला सकती है। छठा स्टेप आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जब भी मार्केट में आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके लुक से प्रभावित होते हैं। कई बार मार्केट में आया कोई नया प्रोडक्ट हम इसलिए खरीदकर ट्राई करते हैं क्योंकि उसकी पैकेजिंग बड़ी जबरदस्त होती है।
इसलिए आपको भी कंपनी का लोगो और अपने प्रोडक्ट्स के लेबल को प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन करवाना होगा। आगे सातवां स्टेप है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। आपके प्लांट पे बने सॉफ्ट ड्रिंक्स को मार्केट और कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा। अगर बिजनेस को बड़े स्केल पर ले जाना चाहते हैं तो शॉपिंग मॉल्स में अपने प्रोडक्ट्स का आउटलेट, छोटे बड़े शहरों में डीलरशिप और सुपरमार्केट्स में अपनी पहुंच बनानी होगी। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस, डिस्काउंट्स और ऑफर्स पर भी काम करना होगा। बड़े शहरों में लोग ज्यादातर ब्रांड्स पर जाते हैं, इसीलिए आप छोटे शहर, गांव और कस्बों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है और कोल्ड ड्रिंक पीना लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बनता जा रहा है। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा तो आप किसी लोकल या नेशनल सेलिब्रिटी के साथ अपना ब्रांड एंडोर्समेंट भी करवा सकते हैं। इससे आपकी कंपनी को काफी माइलेज मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्स की। अगर इस एरिया में आपकी नॉलेज जीरो है तो कोई बात नहीं, आप फूड एंड बेवरेज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। इस एक साल के डिप्लोमा कोर्स में आपको प्रोफेशनल स्किल और ट्रेड प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल नॉलेज और ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, लाइब्रेरी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क और एग्जाम के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में जॉब भी ढूंढ सकते हैं और एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको dgt.gov.in पर मिल जाएगी। अपनी खुद की कंपनी के अलावा भी आप सॉफ्ट ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री ज्यादातर जनरल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी हॉल्स, पान की दुकान और यहाँ तक कि मेडिसिन शॉप्स पर भी होती है। बस आपको कस्टमर्स की पसंद का ध्यान रखना होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स, पानी की बोतल और आइस टी या पैकेज्ड कोल्ड कॉफी जैसे आइटम्स की हमेशा डिमांड बनी रहती है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने पर जिन टॉप सेलिंग ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के साथ आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है वो है कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, माउंटेन ड्यू और स्प्राइट। इनके अलावा ऑरेंज और लेमन फ्लेवर में फैंटा, लिम्का और मिरिंडा भी डिमांड में रहते हैं। इनके साथ साथ माजा, फ्रूटी और दूसरे फ्रूट फ्लेवर्ड जूसेस भी आप रख सकते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है। GST के साथ बिजनेस करना एक कॉमन आदत बनती जा रही है। अगर यही काम आप लार्ज स्केल पर करेंगे तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे। इसके बाद आपको अपना एरिया ऑफ वर्क डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब आप अपनी दुकान, शॉप या आउटलेट कहाँ लेंगे। इसके लिए आपको बिजनेस एग्रीमेंट करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी सिनेमा हॉल में स्टॉल लगाएंगे तो रेंट अग्रीमेंट, एडवांस पेमेंट या सिक्योरिटी मनी और सिनेमा हॉल के साथ बाकी पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। जिस भी कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने की सोचेंगे उनके किसी सेल्स मैनेजर से या तो कंपनी की वेबसाइट पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा लोग कुछ खाते हुए पीना पसंद करते हैं, इसीलिए अगर आप पिज्जा, बर्गर, सैंडविच या दूसरा कोई फास्ट फूड आइटम रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी सेल ज्यादा हो। तो इस वेंचर के लिए क्विक सपोर्ट की तरफ से ऑल द बेस्ट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किन किन इंडस्ट्रीज पर आप हमारा केस स्टडी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जरूर शेयर करें। आई होप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जानकारी आप ही के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपसे यही कहूंगी, धन्यवाद।